हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ते जितनी भी नौकरियां आई है उन सभी नौकरियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ जो जॉब्स हैं उनके नाम बोलूंगा, और अगर किसी को पूरी डिटेल चाहिए तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं उसको पर्सनली पूरी डिटेल है वो दे दूंगा। क्योंकि इतने वीडियो में किसी वैकेंसी की पूरी डिटेल देना संभव नहीं है, तो मैं आपको नौकरियों की जो मेन हेडलाइन है वो बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में 9,232 पदों पर टीचर, TGT, ड्राइंग टीचर आदि के पदों पर भर्तियां निकली है। उसके बाद बात करें तो KVS में 1,017 पदों पर भर्तियां निकली है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क और इत्यादि पदों पर। मुंबई मेट्रो में मैनेजर एवं अन्य पदों के लिए भी विज्ञप्तियाँ वो जारी हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान ने स्टेनोग्राफर, ग्रेड थर्ड और लोअर डिवीज़न क्लर्क के पदों पर भी विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कुल 12 पदों की संख्या है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने भी विभिन्न पदों पर जो वैकेंसियां वो जारी की है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का मेज़बान होगा बर्मिंघम में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद पर भी बहुत सारी रिक्तियाँ आई है, आप उसमें भी फॉर्म लगा सकते हैं। डायरेक्टर और ऑफिसर बनने का भी मौका है। नारियल विकास बोर्ड में डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर मार्केट एवं फील्ड ऑफिसर के पदों पर भी विज्ञप्ति है वो जारी हुई है। आगे हम बात करते हैं तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी 70 पदों पर विज्ञप्ति है वो जारी की। इसमें फिटर, वेल्डर, ग्राइडिंग, टर्नर, मेल्डिंग और मिलिंग के पदों पर जो वैकेंसी है वो जारी हुई है। आगे हम बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर असिस्टेंट के 69 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है, और इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी तक अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। दूसरी हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी विभिन्न पदों पर जो आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। आगे हम बात करें तो प्रोबेशनरी क्लर्क के पदों पर भी आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। साउथ इंडियन बैंक ने दिल्ली NCR क्षेत्र में क्लर्क के पदों के लिए विज्ञप्ति है वो जारी की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने भी विभिन्न पदों पर जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। BMRC बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी 60 पदों पर जो विज्ञप्ति है वो जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसिनोग्राफी ने भी विभिन्न पदों पर है वो विज्ञप्ति जारी की है। उसके अलावा यूनियन बैंक में ऑफिसर के पदों पर भी जो भर्ती है वो विभिन्न पदों पर जारी हुई है। भारत संचार निगम लिमिटेड के भी विभिन्न पदों पर, इंजीनियर के पदों पर जो विज्ञप्ति है वो इन्होंने जारी की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी विभिन्न पदों पर वैकेंसी जारी की है। पुणे में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, आप इसमें अपना जो फॉर्म लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में PSC ने सिविल जज के 12 पदों के लिए भी विज्ञप्ति वो जारी की है। इसके अलावा आप मैनेजर एवं इंजीनियरिंग बनने के लिए भी अपने आप को फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने भी जॉइंट मैनेजर के पदों पर वैकेंसी जारी की। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने भी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के पदों पर आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा आप दिल्ली की कॉलेज से फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में फायर इंजीनियरिंग का कोर्स है वो कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी 19 पदों पर विज्ञप्ति है वो आमंत्रित की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी 38 पदों के लिए जो इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल के जो पद हैं उन पर विज्ञप्ति है वो जारी की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीनियर रेजिडेंट बनने के लिए भी विभिन्न हॉस्पिटल्स ने जो वैकेंसी है वो जारी की है। SpiceJet ने भी अपने बोर्ड ट्रेनी एनालिस्ट के पदों पर विज्ञप्ति है वो जारी की है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी फील्ड असिस्टेंट के लिए जो विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति है वो जारी की है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने DO, नर्सों, अन्य पदों के लिए भी विज्ञप्ति है वो जारी की है। इसके अलावा मुंबई मेट्रो रेल में भी विज्ञप्ति है वो जारी हुई है। अप्रेंटिसशिप से करियर की शुरुआत, उसमें भी 270 पदों पर जो भर्तियां वो जारी की। तो दोस्तों, ये इस वीक की जो महत्वपूर्ण भर्तियां थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर इसमें से किसी विज्ञप्ति के बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। जय हिंद, जय भारत।